नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आम तो सबको खाते हैं, हर कोई जानते हैं। और दोस्तों, आम जो होते हैं ना, बूढ़े से लेके बच्चे हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि आम ऐसा एक फल रहता है जो कि लोग उसके पीछे दीवाने होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। इसलिए दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फलों का राजा आम होते हैं और वह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, आम के बारे में हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है, लेकिन दोस्तों, आम की पत्ती के कितने फायदे हैं ये कोई जानता है? बहुत कम लोग जानते हैं। आम की जो पत्ती होते हैं ना दोस्तों, यह औषधि गुणों का भंडार होता है। इसमें बहुत सारे औषधि गुण होते ही हैं, साथ साथ इसमें बहुत सारे खनिज तत्व, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ आम के पत्ते के फायदे के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा या आम के पत्ते पूजा पाठ में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ औषधि गुणों के बारे में। और यह आम का पेड़ सब कोई जानता है, पूरे भारतवर्ष में चाहे गांव हो, घर हो, हर जगह यह मिल जाता है और हर सीजन में मिलता है। आम सीजन में मिलता है, आम का फल सीजन पे मिलता है, लेकिन इसके पत्ते सालों भर आपको पेड़ में लगा हुआ रह जाए, दिखेगा वो भी हरा भरा। आप इसका प्रयोग करें, कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए, आपका जानकारी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए आम के पत्ते की कुछ फ़ायदे बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से और आप तक जानकारी पहुँचाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी बीमारी में किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आम की जो पत्ती होते हैं ना, इसमें विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, इसमें अन्य प्रकार के बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके पत्ते में सबसे शक्तिशाली एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे बीमारी से यह रक्षा करता ही है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इसके फायदे के बारे में, डायबिटीज के मरीज। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज अगर किसी को हो गया है, जिसे कि मधुमेह बोलते हैं, अगर किसी को हो गया है तो दोस्तों, उसका बहुत सरल सा इलाज है, आम की पत्ती का आप प्रयोग करके अपने डायबिटीज को सही कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दवाई खा खा के परेशान हो गए, तो मेरे बताए अनुसार आप इसका जरूर एक बार सेवन करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो डायबिटीज एक ऐसा बीमारी हो गया है ना कि हर एक घर में एक ना एक व्यक्ति मिल जाता है, या पड़ोसी में या बगल में आपको एक डायबिटीज के बीमारी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यह जो औषधि है ना, यह आपके हर घर के आगे पीछे यह आम का पेड़ भी आसानी से मिल जाता है, आप इसका प्रयोग करें। दोस्तों, आम के जो कोमल पत्ती है ना, कैंथोटाइनाइस नाम का एक जाइम होता है जो कि शुरुआती अवस्था में जो मधुमेह होता है ना, उसको यह सही करता है। उसके लिए आप क्या करें, जो आम के कोमल कोमल पत्ती होती है ना, उस पत्ती को तोड़ के ले आए और उसको छांव में सुखा लें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसको छांव में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। धूप में सुखाएंगे तो उसका जो औषधि गुण है ना, वह खत्म हो जाता है। इसलिए आपको हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि कोई भी औषधि हो, कोई भी जड़ी बूटी हो, उसको धूप में डायरेक्ट नहीं सुखाना है, उसको छांव में सुखाना है। सुखा करके उसको पीस करके पाउडर बना करके एक डब्बे में उसको आप रख लें। उस पाउडर को आप सुबह शाम एक एक चम्मच, एक गिलास पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ आप उसका सेवन करें। शुगर बढ़ गया है ना, उसको यह कंट्रोल में रखता है। और साथ साथ अगर लंबे टाइम से इसका अगर प्रयोग आप इस तरह से करते रहेंगे तो दोस्तों, आपकी जो मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, वह बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन औषधि है। तो इसका दूसरा विधि है, आप क्या करें, आम के पत्ते को ताज़े ताज़े ले आए और उसको क्या करें, एक लीटर पानी में उसको उबालें। तब तक उबालें जब तक ये 250 ग्राम बच जाए, इस पानी को उसमें पत्ती निकाल के फेंक दें और उस पानी का आप
ठंडा करके उसका सेवन करें, उससे भी डायबिटीज में बहुत अच्छा फायदा होता है। यह विधि जो है ना सुबह शाम करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा डायबिटीज को कंट्रोल रखेगा और लंबे टाइम के जैसे मैंने बताया आप करते रहेंगे तो आपको जर्सी भी खत्म हो जाता है। आम के पत्ते का आप प्रयोग करते हैं ना तो उच्च रक्तचाप जो होता है ना उसको भी यह कंट्रोल में रखता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप में भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। जैसे मैंने बताया जैसे कि पानी में इसके पत्ते को 10 पत्ती ले आएँ और उस पानी में उबाल करके 1/4 बच जाए उस पानी का आप सेवन करें। दोस्तों आपके जो उच्च रक्तचाप है ना उसको भी यह कंट्रोल में रखता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बेहतरीन औषधि है। इसके अलावा दोस्तों दांतों से लेकर समस्या है, किसी के मसूड़े से खून आने की समस्या होता है, मुंह से बदबू आने की समस्या है, दांत सड़ने को जाता है, कीड़ा पड़ जाता है या आपकी गलत खान पान की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, सारे समस्याओं का यह निदान करता है। आम की पत्ती आपको उसका प्रयोग कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक मंजन बनाना बताऊंगा जो ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करें, पके हुए पत्ते जो पीला पीला पत्ता हो जाता है ना उस पत्ती को ले आएँ और इसको छांव में सुखा करके इसका पाउडर बना लें, उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल दें और थोड़ा सा काला नमक डाल करके और एक अच्छी तरह से पाउडर बना करके रख लें और सुबह शाम उंगली से, ध्यान से सुनिएगा, ब्रश से नहीं आपको प्रयोग करना है, सिर्फ उंगली से उसको अपने मसूड़े पे दांत पे आप उसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट आप इसका इस्तेमाल करें सुबह और शाम, 2 टाइम करेंगे दोस्तों आपकी जो दांतों की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आपको महंगे महंगे दवाई और डेंटल के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, बहुत बेहतरीन औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है दांतों की समस्या को दूर करने के लिए। दोस्तों ये जो पत्ते होते हैं ना बेचैनी चिंता को भी दूर करने में बहुत ही सहायक होता है, दूर करने के लिए आम के पत्ते बहुत ही बेहतरीन इलाज है। आपको करना क्या होगा, इसके लिए आप 6-7 पत्ते ले आएँ, 10 पत्ते ले आएँ, इसको पानी में उबाल लें, 2 लीटर पानी में उबालें, 1 लीटर पानी बच जाए ना तो आप जब दोस्तों नहाते हैं ना नहाते समय उस पानी में इसको मिक्स कर दें और फिर उस पानी से आप नहाएं। दोस्तों ऐसा आप करते हैं तो आपकी शरीर में एक नई ऊर्जा, ताजगी, चेहरे में चमक, बहुत सारी समस्याएं जो होते हैं ना फोड़े फुंसी त्वचा रोग उसको भी यह दूर करता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा ही औषधि है, आपके घर के आसपास होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में आप इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आज से ही इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आम की पत्ती का पाउडर का आप प्रयोग करते हैं रोज़ाना तो दोस्तों आपकी जो पेशाब संबंधी समस्या होती है, जलन होना, रुक रुक के आना या फिर किडनी जैसी समस्या बन जाती है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, पेशाब नली में सूजन हो गया या किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको यह दूर करता है। आप बस 1 चम्मच इसका पाउडर सुबह शाम इसका प्रयोग करें, बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। दोस्तों आम के जो पत्ते के पाउडर है ना यह गुर्दे पथरी की समस्या, जो गुर्दे में या किडनी में पथरी की समस्या होता है ना उसको भी यह सही करता है, उसको गला करके पेशाब के रास्ते बाहर कर देता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन औषधि है और तरीका है। दोस्तों जो आपने पाउडर बनाया है ना आप रात में सोते समय 1 गिलास पानी में उस पाउडर को डाल दें और सुबह क्या करें उसको छान करके आप उसको पी लें। दोस्तों पथरी को यह छोटे छोटे टुकड़े करके पेशाब के रास्ते बाहर कर देता है। इसी की समस्या हो गया, अगर खांसी किसी को बार बार आता है तो बहुत ही देसी और नेचुरल इलाज है। आप क्या करें आम के पत्ते के 10 पत्ते ले आएँ, उसको उबाल करके 1 लीटर पानी में उबालें और 1/4 बच जाए तो उसको छान करके और उसको हल्का ठंडा कर लें और उसमें 1 चम्मच शहद डाल करके अगर आप सेवन करते हैं खांसी जैसी समस्या से भी आपको छुटकारा मिलने लगेगा। बहुत ही अच्छी औषधि है, खांसी को भी दूर किया जा सकता है, सर्दी तो ठीक करता है खांसी को भी सही करता है, दमा जैसी समस्या है तो उसको भी यह सही करता है। छांव में सुखाए हुए पत्ते के पाउडर का आप अगर रोज़ाना सेवन करते हैं तो खूनी पेचिस जो होता है ना उसमें भी ज़बरदस्त लाभ मिलता है। बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके बताया भी है इसका बहुत अच्छा 100% काम करता है। दोस्तों खूनी पेचिस अगर किसी को हो गया है तो इसका पाउडर का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों गले में अगर किसी का गला बैठ गया है, आवाज़ नहीं निकल रहा है या फिर गले में खराश हो गया है या किसी तरह की सूजन हो गया है तो दोस्तों उसमें भी क्या करें, इसके पत्ते को पानी में उबाल करके उसे गरारा करने के बाद उसमें हल्का सा नमक मिला लें,
गरारा करने के बाद दोस्तों आपका गला भी सही हो जाएगा, आवाज़ भी सही हो जाएगा। इसे जो है ना दिन में 3 बार आप इसका गरारा करें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगले फायदे की बात करें, कान में अगर किसी को दर्द हो गया या सूजन हो गया है या किसी प्रकार की इन्फेक्शन है, तो दोस्तों इसके आम के जो कोमल कोमल पत्ती होते हैं ना, जो हल्का ब्राउन कलर के होते हैं, उस पत्ती को ले आएँ, उसका रस निकाल करके 1 से 4 बूंद कान में टपकाएं। दोस्तों कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो या फिर सूजन हो गया हो, दर्द हो रहा हो या कान बहने की समस्या हो, उसमें बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर कोई जल गया हो खाना बनाते समय या किसी वजह से, तो आप क्या करें, आम के पत्ते को जो है ना जला करके, जो सूखा हुआ पत्ता होता है ना, जला करके उसका राख उस पर लगाने से बहुत जल्दी राहत मिलता है, बहुत जल्दी सही भी कर देता है घाव भरने में। तो अगर किसी को हिचकी आने की समस्या होता है ना, तो आम के सूखे हुए पत्ते को जला करके उसका धुआं लेने से, सूंघने से, उसमें हिचकी जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। तो सुना आपने आम के साथ साथ इसके पत्ते कितने फायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आप अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए औषधि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।